हेलो एवरीवन, तो चलते हैं अपने क्वेश्चनेयर के सेशन पे। 13, 14, 15 जो मैंने लास्ट क्लास में बोला था हमें 13, 14, 15 ही अब करना है। क्वेश्चन नंबर 13, द फॉलोइंग इश्यूज अराइज इन कनेक्शन विद द डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स अंडर चैप्टर 17 बी। एग्जामिन द लाइबिलिटी ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स इन द फॉलोइंग केसेज। एन एम्प्लॉई ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव एरियर ऑफ सैलरी फॉर द अर्लियर 3 ईयर्स। 3 साल तक की सैलरी इसको आज मिल गई है। थैंक गॉड, कम से कम आज सैलरी तो मिल गई। 3 साल पुरानी सैलरी आज मिली है, 3 साल तक की सैलरी आज मिली है। 3 साल पुरानी नहीं, 3 साल तक की जो अर्लियर 3 ईयर्स की सैलरी है वो आज मिल गई है उसको एरियर का, शुक्र है भगवान का। ही इंक्वायर वेदर ही इज लाइबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन द इंटायर अमाउंट ड्यूरिंग द करेंट ईयर। फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए, 3 साल की सैलरी आपको मिली है तो 3 साल का बेसिक एग्जेम्पशन भी होता है, और तीनों साल आपने कुछ ATC में अगर डिडक्शन लेनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट किए थे LIC में, NSE बॉन्ड खरीदे थे, कुछ भी किए थे, तो वो भी एग्जेम्पशन होनी चाहिए। ये सब कुछ मतलब मिलना चाहिए, तो अब तीसरे साल में कैसे मिल सकता है? इट मीन्स एक क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती होगी, कुछ बताना पड़ता होगा, एम्प्लॉई बताएगा। एंड सेकेंड थिंग, याद करिए कि पेमेंट क्रेडिट और पेमेंट विच क्रेडिट के टाइम केवल नहीं, सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए देखिए हर जगह होता है कि क्रेडिट पेमेंट विच एवर अर्लियर, लेकिन सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए क्रेडिट के टाइम नहीं, जब एक्चुअल पेमेंट कर रहे होते हैं तब TDS कटेगा। एक्चुअल पेमेंट 3 साल अर्लियर का अब हो रहा है, तो विद इन द पीरियड 3 साल में जो मैंने क्लेम्स होने चाहिए ना उसके लिए एक फॉर्म है, उसको भर के बताना पड़ता है और डिडक्शन मिल जाती है, डिडक्शन मिल जाती है, डिडक्शन ऑफ टैक्स। तो वेर ही इज लाइबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन द इंटायर अमाउंट ड्यूरिंग द करंट ईयर, डिडक्शन बतानी पड़ती है। ओके, एज पर सेक्शन 192 टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स ऑफ एनी पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज। हाउएवर एज पर सबसेक्शन 2A ऑफ दैट सेक्शन द एम्प्लॉय विल बी इंटाइटल टू रिलीफ अंडर सेक्शन 89 एंड कॉन्सिक्वेंटली ही विल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश टू द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पेमेंट। ये सेक्शन 89 वही रिलीफ की बात कर रहा होता है कि आपका 89A भी स्पेसिफिकली है जिसको आप पढ़ सकते हैं। 89A में यही सब लिखा है कि आपको लमसम पेमेंट बाद में रिसीव हो रहा है, एरियर या एडवांस दोनों के केस में काम करता है। एरियर या एडवांस दोनों के केस में अगर आपको, हेलो ऑडियो क्लियर होगा थोड़ा, हाँ एरियर या एडवांस दोनों के केस में अगर आपको सैलरी का अमाउंट मिल रहा है तो उस पर TDS के लिए ये 89 और 89 ये काम करते हैं, बात करते हैं। सच पर्टिकुलर्स इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म फॉर्म नंबर 10E द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पेमेंट शैल कंप्यूट द रिलीफ टेक इनटू अकाउंट द सेम वाइल डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स फ्रॉम द सैलरी। तो बेसिकली देखिए फुल में कुछ बात ही नहीं लिखा इसने, कुछ भी नहीं कहा। फॉर्म नंबर 10E देना पड़ता है, याद रखने की भी जरूरत नहीं है, बस इतना जानिए कि डिडक्शन के लिए कुछ है, हाँ अवेलेबल है, क्लेरिफिकेशन देनी पड़ेगी, फॉर्म फुलफिल करके देंगे, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी पड़ेगी, उसी बेस पे आपका TDS कटेगा। ओके, नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट इज एक कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। अ TV चैनल पेज ₹10 lakh ऑन 1st of September 2018 एज प्राइज मनी टू द विनर ऑफ क्विच प्रोग्राम हु विल बी अ मिलियनेयर। कौन बनेगा करोड़पति टाइप्स चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, कौन बनेगा करोड़पति में भी होता है, इस TV प्रोफेशन को विनिंग्स की इनकम मानते हैं, जहाँ पे हमने पढ़ा था 194B लॉटरी विनिंग कार्ड गेम्स एंड ऑल दैट। तो कार्ड गेम्स में ये जो क्विज गेम्स भी आते हैं ना, इनको भी इंक्लूड कर लिया गया है कि गेम्स में ही क्विज गेम्स को भी मान लिया गया है। तो KBC वगैरह की जितनी भी इनकम होती थी उस पर 30% यहाँ पे TDS काटा जाता था। इट मीन्स आज तक सबको बेवकूफ बनाया गया है कि कौन बनेगा करोड़पति में से, कोई अगर 1 करोड़ रुपए जीत के गया है तो वो करोड़पति बना है। जी नहीं, 30% तो टैक्स आप काट ही लेते थे, 70 लाख बेचारे को आपने दिया, अब 70 लाख आपने उसको दिया, और उस बंदे के पास 30 लाख रुपए पहले से नहीं है तो करोड़पति नहीं बन सकता। तो जोक्स अपार्ट, इट मीन्स जो ये क्विज गेम्स होते हैं वो भी 194B में ही TDS डिडक्ट करते हैं 30% की रेट से। ओके, आइए पढ़ लेते हैं। Under section 194B, the person responsible for paying by way of winning from any card game and other game in is an amount exceeding ₹10,000 shall be at the time of payment deduct income tax at the rate 30%. First of all, अगर आपको स्पीड तेज लग रही हो स्लो कर लीजिए, ये रिविजनरी चल रहा है, स्टूडेंट्स के एग्जाम पास में है, इसलिए
क्विक 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 रिफ्रेश करा रहा है माइंड को, नथिंग एल्स. देयरफॉर टैक्स ऑफ रुपीज 3 लाख हैज टू बी डिडक्ट एट सोर्स फ्रॉम द प्राइस मनी ऑफ रुपीज 10 लाख पेबल टू द विनर. 10 लाख में से 3 लाख काट के बाकी 7 लाख रुपये उसको पकड़ा दो. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेज 50,000 पर मंथ एज अ रेंट. ओके, इंपॉर्टेंट चीज, थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो सकता है, फिर से सुनिएगा. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेज 50,000 पर मंथ एज रेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अ बिल्डिंग इन विच वन ऑफ इट्स ब्रांच इज सिचुएटेड. अब ये देखिए, स्टेट बैंक पेमेंट कर रहा है, मत ध्यान दीजिए किसको पेमेंट कर रहा है, टू सेंट्रल गवर्नमेंट को. क्या आपको कहीं से ये चीज़ लॉजिकल लग रही है कि अगर आप गवर्नमेंट को ही पेमेंट करने वाले हैं तो गवर्नमेंट का ही टैक्स, इनकम टैक्स भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही डायरेक्ट पहुंचता है. ओके, तो और जीएसटी में सेंट्रल स्टेट डिवाइड करते हैं, तो डायरेक्ट टैक्सेस जो इनकम टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है. अब आप रेंट पे करने जा रहे हैं तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का ही टीडीएस काट के फिर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगी? नहीं, इलॉजिकल है, ये पैसा ही उसका है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को होने वाली पेमेंट पे टीडीएस नहीं कटता है. फर्स्ट थिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट को होने वाली पेमेंट पे टीडीएस नहीं कटेगा. सेकेंड थिंग, जब आप लॉ लिख रहे होंगे तो आप देखेंगे 50,000 पर मंथ, सर 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 तुरंत 50,000 रुपीज़ बात हो गई, मतलब लास्ट मंथ में ही टीडीएस कटेगा अंडर सेक्शन 194 आईबी. नहीं, 194 आईबी का रेफरेंस यहाँ नहीं देना है. अगेन कॉशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए आप. क्यों सर 194 आईबी का नहीं दे रहे हैं? क्योंकि 194 आईबी में 50,000 से एक्सीड कर रहा था तो आता है 194 आईबी. ऐसे 194 आईबी नहीं आता है कि लास्ट मंथ में अगर 50,000 पर मंथ से एक्सीड कर जाता है तो लास्ट मंथ में हम उसका लास्ट मंथ के रेंटल से हम टीडीएस काटते हैं ऑल दैट, वो सब चीज़ों का रेफरेंस यहाँ नहीं देना है. यहाँ रेफरेंस देना है 194 आई का ही, जिसमें ये रहता है 180,000 पर एनम से अगर एक्सीड कर रहा हो तो उसी का रेफरेंस देंगे. उसके बाद में बता देंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पेमेंट हो रही है तो यहाँ पे कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा. ओके, ये ट्रिकी क्वेश्चन था क्योंकि क्वेश्चन में अगर ये रेफरेंस देने में भी आप गलती कर दिए, 50,000 वाला मतलब 194 आईबी का रेफरेंस दे दिए तो भी मार्क्स नहीं मिल देंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर इग्नोर कर दिए तो गवर्नमेंट को इग्नोर कर दिए तो आईसीआई तो आपको इग्नोर कर ही देगा मार्क्स देने में. ओके, आइए सॉल्यूशन रीड आउट करते हैं. सेक्शन 194 आई विच गवर्न्स द डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन पेमेंट ऑफ रेंट एक्सीडिंग ऑफ रुपीज 180,000 पर एनम इज रिस्पॉन्सिबल टू ऑल टैक्सेस इनटाइटल्ड एक्सेप्ट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ्स हुज टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट इज नॉट एक्सीड टू द मॉनेटरी लिमिट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन ए. वो कुछ नहीं है, 194 आई उसी को बोलता है कि टीडीएस उसी को काटना है, 194 आई जिसका रेंट एक्सीड हो गया, रेंटल पेमेंट एक्सीड हो गया 180,000 रुपीज से पर एनम में एंड उसकी टैक्स ऑडिट हुई होती है. याद करें इंडिविजुअल एच एफ 194 ए वाली बात, ठीक है, क्लियर आउट. सेक्शन 196 हाउएवर प्रोवाइड एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट. सरकार को पैसा दे रहे हैं, सरकार को ये एग्जेम्पशन देती है कि अगर आपने गवर्नमेंट को पेमेंट किया है तो आपको फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स टीडीएस के प्रोविजन को फॉलो नहीं करना पड़ेगा. अब गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हैं, ओके, therefore no tax is required to be deducted at source by state bank of india from rental payment to the government. clear hai, crystal clear hai sir. a television company pays 80,000 to a cameraman for shooting a documentary film. sir cameraman ko paisa ja raha hai, cameraman kya hota hai, professional, to professional services mein ja raha hai, 30,000 se exceed ho gaya to 10% ki rate se 194 jm tds kat jayega, kuch bhi batane layak hai hi nahi. देख लीजिए यही लिखा होगा, देखिए कैमरा मैन इज टू बी द एम्प्लॉय, टीवी एम्प्लॉय है, प्रोविजन 192 विल अप्लाई. अगर कैम, अच्छा इन्होंने ये बता दिया इफ लगा के दो पॉसिबिलिटी बताई है, इफ कैमरा मैन एम्प्लॉय होगा तब तो 192 के हिसाब से जाएगा और उस पर उसका इफेक्टिव रेट लेंगे, क्या एज है कैमरा मैन की उसके हिसाब से उसको डिडक्शन, उस हिसाब से उसका रेट निकाल के उसको हम टीडीएस काटेंगे. बट हाउएवर इफ ही इज अ प्रोफेशनल टीडीएस प्रोविजन अंडर सेक्शन 194 जे विल अप्लाई. tax at the rate 10% will have to be deducted at source at the time of credit of 80,000 or its payment whichever is earlier. 194 j hai, 194 2 hota to payment ke time keval dete na salary ko, lekin jab 194 j aa raha hai professional ke time to credit ya payment whichever is earlier aa gaya. okay, dhyan rakhiyega. a state government pays 22,000 on 2 July 2018 as commission to one of its agent as a sale of lottery ticket. लॉटरी टिकट की सेल हुई है, देखिए
एक न्यू सेक्शन है 194G, एक सेक्शन होता है जो अभी हम लोग डिस्कस नहीं किए थे। इसमें क्या होता है कि अगर आप स्टॉक करते हैं, स्टॉकिंग है, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, या फिर आप एजेंट भी हैं या फिर इंगेज हैं परचेज और सेल्स में किसकी सर? लॉटरी टिकट्स की। कौन सी लॉटरी टिकट्स? नॉर्मल नहीं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करा रही है उसी की। ऐसे नहीं किसी की भी लग गए, हाँ ये वाली चाइना लॉटरी सेंटर टाइप्स, ये सब नहीं। स्टेट गवर्नमेंट मीन्स ऑथोराइज्ड वालों की बात हो रही है यहाँ पे। ये जो दो नंबर से काम होते हैं उसकी बात नहीं हो रही, क्योंकि दो नंबर वाले पे TDS थोड़ी काटोगे। कहोगे देखो दो नंबर का काम कर रहे हैं, TDS भी काट रहे हैं। गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट से पुलिस वाले आएंगे, उठा के लेके जाएंगे कि तुम दो नंबर का काम करते हो, टैक्स क्या दे रहे हो। ओके, तो अगर 194G में स्टॉकिंग या डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप कर रहे हैं किसी लॉटरी बिजनेस में, स्टॉक का किसी लॉटरी बिजनेस में, मतलब 194G कहता है कि गवर्नमेंट ऑथराइज्ड अगर आप एजेंट हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, स्टॉकिंग करते हैं, और आप कमीशन लॉटरी से आपको कमीशन जो है वो 15,000 रुपीज़ से एक्सीड हो जाता है, तो TDS 15% के रेट से डिडक्ट होगा। ओके, स्टेट गवर्नमेंट पे 22,000, 15,000 से एक्सीड कर गया सर, 194G तो लग जाएगा। कमीशन टू वन ऑफ इट्स एजेंट टू सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। ओके, तो 22,000 का 5% निकाल के आप टैक्स लगा दीजिए। देखिए 194G अमाउंटिंग 1100 1100 का टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स हो गया फॉर द कमीशन पेमेंट ऑफ ₹22,000 टू ग्रांट टू द स्टेट एजेंट। ये ऊपर 194G की पूरी बात लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको समझाई है यहाँ पे। ओके, अ टर्फ क्लब अवार्ड अ जैकपॉट ऑफ ₹5,00,000 टू द विनर ऑफ वन ऑफ इट्स रेस ऑन 1/2/2019 हॉर्स रेस की बात हो रही है। इट मीन्स रिज्यूम ही कर लो, ये टर्फ क्लब मतलब मैदानी क्लब की बात कर रहे हैं, तो घोड़ों को ही दौड़ा रहे होंगे, बकरियों को तो दौड़ाएंगे नहीं, हॉर्स रेस। और इसके लिए मैंने कुछ बताया था ना, रेस पिक्चर, रेस मूवी में बोलता है कि घोड़ों के साथ साथ जॉकी पे भी पैसे, मैंने घोड़ों के साथ जॉकी भी खरीद लिया है, मतलब घोड़े पे भी बेटिंग की थी, जॉकी पे भी बेटिंग की थी। इसका मतलब इसका सेक्शन होता है 194BB। ओके, 194BB में इस पर TDS कट जाएगा। चलिए पढ़ लेते हैं। द पेमेंट बाई वे ऑफ विनिंग फ्रॉम द हॉर्स रेस इज गवर्न बाई सेक्शन 194BB। अंडर दिस सेक्शन द पेमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट शैल एट द टाइम ऑफ पेमेंट डिडक्ट टैक्स एट सोर्स एट द रेट 30% इफ द पेमेंट एक्सीड 10,000 रुपीज़। अकॉर्डिंग टू टैक्स 30% अमाउंटिंग 1,50,000 हैज़ टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द विनिंग ऑफ 5,00,000 पेबल टू द विनर रेस। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत ही होती है ना कि ये देखिए 10,000 की लिमिट है और कितना आप डिडक्ट करें, 30%। 30% की लिमिट याद रखिएगा। 90 बहुत जगह दिक्कत लोगों को हो जाती है, अरे कम 5% 10%, ये टॉस वहाँ मत करिएगा। चल के हॉर्स रेस हुआ तो 30% याद रखिएगा, मतलब बेटिंग वाली कोई भी चीज़ है 194B। देखिए 30% है ना, तो ये कन्फ्यूज़न आ जाती है कि 194B और 194BB इन दोनों में रेट सेम है, ये चीज़ याद रखिएगा। कन्फ्यूज़न क्या आ जाती है, अगर रेट सेम है तो दो अलग अलग सेक्शंस क्यों होते हैं, क्या कोई अलग रेट है? ऐसा नहीं है, अलग रेट नहीं है, ये स्पेसिफिकली हॉर्स रेसेस के लिए बस बनी हुई है, रेट सेम है TDS का, याद रखिएगा। कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि दो अलग अलग सेक्शंस हैं तो क्या अलग अलग रेट से भी TDS कटता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं अब हम, इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन नंबर 14। एग्जामिन एंड कंप्यूट द लायबिलिटी ऑफ डिडक्शन एट सोर्स, deduction of tax at source if any in the case stated hereunder for financial year ended 31st of March 2019, Mr. X, a resident, acquired a house property at Mumbai from wife for a consideration of ₹90,00,000 on 26 June 2018. On the same day, Mr. X made two separate transactions, hereby acquiring an urban plot in Kolkata from Mr. C, a sum of ₹49,50,000, 50 lakh से कम है, कोई दिक्कत नहीं है, and the rural agriculture land, इसको तो capital asset ही नहीं मानते, from Mr. D for consideration of 60 lakh. Okay, Mr. X के पास बहुत पैसा है, property पे property खरीदे ही जा रहे हैं ये। देखिए यहाँ पे rule होता है, हमने ऊपर अभी 194 IB भी पढ़ लिया, यहाँ पे आ गई आपकी बात 194 IA की। 194 IA में जो हमने पढ़ा था कि अगर प्रॉपर्टी की कीमत
लेस देन 50 लाख रुपीज है तो टीडीएस नहीं कटता, लेकिन 50 लाख है उससे मोर है तो टीडीएस कटता है 1%। याद है क्रेडिट करते समय या पेमेंट करते समय विच एवर इज अर्लियर टीडीएस 1% डिडक्ट हो जाएगा फॉर द कैपिटल एसेट। यहाँ पे देखिए मिस्टर एक्स जो है जिन्होंने प्रॉपर्टी 90 लाख रुपीज में परचेज किया फॉर अ कंसेंट्रेशन, इस पे इट मीन्स उनका 1% टीडीएस डिडक्ट होगा। बट सेम डे भले मिस्टर एक्स ने कोई और ट्रांजेक्शन किया जिसकी कीमत वो भी अर्बन प्लॉट था उसकी कीमत 50 लाख रुपीज से कम है तो यहाँ पे टीडीएस नहीं कटेगा, और रूरल एग्रीकल्चर लैंड वो 60 लाख क्या 60 करोड़ में भी खरीद ले तो भी इस पे टीडीएस नहीं कटता है क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड को ही प्रॉपर्टी की डेफिनेशन से ही बाहर कर दिया है। इट मीन्स पूरे क्वेश्चन में 194IA, देखिए 194I IA IB मैंने एक ही लेक्चर में बताया था और इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए इस पे फुल टाइम हम लोग दे के पढ़े थे। ये टोटल जो टीडीएस चैप्टर ही है ना इसको आप कहिएगा दो बार मन करिएगा तो कर लीजिएगा, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि इससे 16 मार्क्स लिख के ले लो हैं, फिक्स हैं। यहाँ पे हम लोग उस सिक्वेंस में ही पढ़ रहे हैं कि आपका मैक्सिमम स्कोरिंग पोर्शन कवर होता जाए। ओके आइए ये हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, आंसर देख लेते हैं। ICAI का आंसर दिया ICAI ने, सिंस द कंसिडरेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एट मुंबई एक्सीड 50 लाख, मिस्टर एक्स बीइंग ट्रांसफरी इज रिक्वायर्ड डायरेक्ट टैक्स एट द रेट 1% इन सेक्शन 194IA ऑन रुपीज 90 लाख बीइंग द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज रुपीज 90,000 रुपीज। 1% 90 लाख का 90,000 होता है, कैलकुलेटर से करके चेक कर लो, हमारी तो आदत ही कैलकुलेटर वाली हो चुकी है सर। मिस्टर एक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 194IA फ्रॉम द कंसिडरेशन फॉर रुपीज 49,50,000 पेड टू मिस्टर सी फॉर ट्रांसफर ऑफ अर्बन प्लॉट सिंस द कंसिडरेशन इज लेस देन 50 लाख। ठीक है, वही बात जो मैंने बताई, मिस्टर एक्स इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 194IA फॉर द कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 90 लाख पेड टू मिस्टर डी फॉर द रूरल एग्रीकल्चर लैंड सिंस द सेम इज स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पर्पज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स अंडर सेक्शन 194IA। प्रेजेंटेशन देख लीजिए, वो छोटी सी चीज आपको पता तो हम सभी को थी जो मैंने बता दी, केवल और केवल 30 सेकंड में पूरा आंसर मैंने बताया था, बट इसकी प्रेजेंटेशन देखिए, इसकी प्रेजेंटेशन में 8 मिनट निकल जाएंगे आपको। नोट ये देने की वहाँ नीड नहीं है, 194IA requires every transferee responsible for paying any sum such of credit as transfer of immovable property land other than agriculture land, other than agriculture land for building or plot or part of the building sir, मतलब अरे केवल 8 मंजिल इमारत, 8 फ्लोर की थी, 2 फ्लोर सेकेंड फ्लोर आपने टोटल बेच दिया तो इसलिए पार्ट ऑफ द बिल्डिंग कह रहे हैं, फॉर डिडक्ट टैक्स एट द रेट ऑफ 1% ऑफ सच सम एट द टाइम ऑफ क्रेडिट। देखिए क्रेडिट और अमाउंट सो ट्रांसफर मतलब पेमेंट और क्रेडिट, ये ध्यान रखिएगा दोनों है इसमें, पेमेंट और क्रेडिट यहाँ पे भी है। एक्चुअली में बंदा क्या हो जाता है ना इमोशनल, फिर से इमोशनलिज्म आ जाता है कि केवल क्रेडिट, किसी क्वेश्चन में आ गया केवल क्रेडिट किए बट अभी पेमेंट नहीं किए थे तो टीडीएस वाला, इमोशनल मत होइएगा, क्रेडिट भी है ठीक है। ऑफ सच सम टू द रेसिडेंट ट्रांसफरर विच एवर इज अर्लियर However, no tax is required to be deducted from the consideration for the transfer of immovable property is less than 50 lakh. कोई नई बात नहीं थी, जो हमने क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जो सॉल्यूशन बनाया था वही था। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, 17 जून 2018 को कमीशन ऑफ रुपीज 50,000 वॉज रिटेन्ड बाई द कमीशनी कंसाइनी ABC पैकेजिंग लिमिटेड and not remitted to the consignor of XYZ developer while the remitting the sales consideration examining the obligation of consignor to deduct tax at source. कौन सा सेक्शन लगेगा, सोचो। अगर आप लोग सोच पाए थे तो इट मीन्स पढ़ाना वर्थफुल रहा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपको क्लिक कर रहा है ये चीज़ें कि कौन सा सेक्शन कहाँ लगेगा। 194H जो कमीशनिंग की बात करता है, ठीक है, 194H कमीशन की जो बात कर रहा होता है, इसमें 15,000 रुपये इसकी लिमिट ही है 15,000 रुपीज़ की। 15,000 रुपीज़ भी अगर मैंने किसी को कमीशन पे किया तो 5% हमें TDS काटना पड़ेगा, और यहाँ पे कमीशन 50,000 रुपीज़ है तो TDS तो कटेगा। बट एक बात है सर, क्या इसमें हो क्या रहा है कि ये जो प्रिंसिपल है और ये एजेंट है, एजेंट और यहाँ पे चलिए सेल ये बायर्स होंगे या जो परचेजर्स है, प्रिंसिपल के प्रोडक्ट को ए ने लिया और बायर को बेच दिया, बायर से पैसा आया, ए ने अपना कमीशन रख के बाकी पैसा रिफंड किया है,
तो होता है क्या है कि टैक्स पेमेंट के टाइम कटता है, लेकिन प्रिंसिपल तो पेमेंट ही नहीं कर रहा है, पेमेंट तो एजेंट ही कर रहा है उल्टा, तो टीडीएस कैसे कटेगा? एक्चुअल में क्या है, टीडीएस कटेगा भी कि नहीं कटेगा, क्वेश्चन यही पूछ रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल तो पेमेंट ही नहीं कर रहा है, प्रिंसिपल तो पेमेंट रिसीव कर रहा है, बट एज पर सेक्शन 194H टीडीएस डिडक्ट होगा, टीडीएस डिडक्ट होगा। प्रैक्टिकली क्या होता है भी मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ, पहले हम सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं इसका। देखिए 194H रिक्वायर्ड डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स एट द रेट 5% फॉर कमीशन एंड ब्रोकरेज पेमेंट टू अ रेसिडेंट, हाउएवर नो टैक्स इज डिडक्टेड एट द सोर्स वेदर द अमाउंट ऑफ सच पेमेंट इज नॉट एक्सीडेड 15,000। इन दिस केस एबीसी पैकेजिंग लिमिटेड अ कंसाइनी हैज टू रेमिटेड द कमीशन टू ऑफ रुपीज 50,000 टू द कंसाइनर ऑफ एक्स वाई जेड डेवलपर वाइल रेमिटिंग द सेल्स कंसिडरेशन। सेल्स कंसिडरेशन तो बेच दिए, जो प्रिंसिपल का गुड्स था एजेंट के थ्रू बिक रहा था और ये बायर से पैसा आना था, तो यहाँ से हमको 1 करोड़ रुपया तो आ गया। अब 1 करोड़ में से हम इसको केवल 99,50,000 रिमिट किए हैं। ओके, अपने कमीशनिंग का 50,000 रुपये हम यहाँ पे रख लिए, यही बात है अभी तक। सिंस द रिटेंशन ऑफ कमीशन बाई कंसाइनी एजेंट अमाउंट टू कंस्ट्रक्टिव पेमेंट ऑफ द सेम टू हिम बाई द कंसाइनर और प्रिंसिपल, रिटेंशन भी किया है बट ये कंस्ट्रक्टिव पेमेंट वर्ड याद करिए, एक और जगह आया था एक क्वेश्चन में, अब मैं नहीं बताऊंगा कहाँ पे आया था, थोड़ा सा दिमाग आपको भी लगाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टिव पेमेंट की जहाँ मैंने बात की थी और कहा था यहाँ कोई कंस्ट्रक्टिव पेमेंट नहीं है, सर कहाँ बताया था आपने, ओहो याद करो थोड़ा सा, क्लियर याद करो। ऑफ टैक्स एट सोर्स इज रिक्वायर्ड टू बी मेड फॉर द अमाउंट ऑफ कमीशन, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव पेमेंट तो हो रहा है ना, और जहां जहां कंस्ट्रक्टिव पेमेंट आता है वहां टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। देयरफॉर एक्स वाई जेड डेवलपर हैज टू बी डिडक्ट टैक्स एट सोर्स ऑफ रुपीज 50,000 एट द रेट रुपीज 5% एट द रेट ऑफ रुपीज कहां से आ गया सर, एट द रेट ऑफ 5%। ओके, एक्चुअल लाइफ में क्या होता है, एक्चुअल लाइफ में क्या होता है ना कि जैसे मान लो प्रिंसिपल था, ये रियलिटी में बताता हूँ होता क्या, 1 लाख रुपए का माल था, एजेंट को बोला कि 1 ही लाख रुपए में बेचना है, इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, प्रॉफिट इंक्लूड है, ये सेल्स प्राइस है। 1 लाख रुपए के माल पे 5% का तुमको टीडीएस हम देंगे, सर 1 लाख नहीं 10 लाख, तो ठीक है 10 लाख के माल पे 5% का टीडीएस देंगे। एजेंट बोला ठीक है, एजेंट ने मिस्टर सामू सामू श्यामू नहीं सामू सामू को 10 लाख रुपए में माल बेच दिया। अब 10 लाख रुपए में माल आया तो यहाँ से इनके पास पेमेंट भी 10 लाख रुपए आया। अब इस 10 लाख रुपए में से इसने 9,50,000 रुपये अपने पास रख लिए, बाकी सॉरी 50,000 रुपये अपने पास रख लिए और 9,50,000 रुपये की पेमेंट कर दी। अब प्रैक्टिकली तो यही होता है, लेकिन टीडीएस कैसे कटे? तो होता क्या है कि ये टीडीएस के अमाउंट 50,000 का 5% और 2,500 रुपये ना टीडीएस का अमाउंट भी इनको भेजता है और कहता है मेरे नाम पर डिपॉजिट कर दो। 50,000 रुपये नहीं भेजता है, टीडीएस का केवल अमाउंट भेजता है और इनके नाम पे टीडीएस डिडक्ट हो जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में यही होता है। सर आप बताओ वो वापस क्यों फिर से अपने टैक्स का पैसा भेजेगा? बिकॉज ये ट्रांजेक्शन कोई एक दिन नहीं होते हैं, ये रूटीन में ट्रांजेक्शन चलते रहते हैं, तो कंप्लाइंस को पूरा करने के लिए ऐसा होता है कि टीडीएस का पैसा आपको एजेंट भेजता है और उसके नाम पर आप टीडीएस डिडक्ट दिखाते हैं कंप्लाइंस पूरा करने के लिए। मिस्टर एस वॉन अ मोटर कार इन लकी ड्रॉ, वाह कौन सा लकी ड्रॉ था पता चल जाए तो हम लोग भी कर लेंगे, हेल्ड बाई पी मार्केटिंग, द मार्केट प्राइस ऑफ कार वॉज 4 लाख, पी मार्केटिंग एरोनियसली गिव द कार टू मिस्टर एस विदाउट डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स, एग्जामिन द लाइबिलिटी ऑफ पी मार्केटिंग टू मेक सच पेमेंट इफ एनी। सेक्शन विनिंग्स 194B, ओके 194B, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्गेनाइजर होता है, ऑर्गेनाइजर को इंश्योर करना होता है कि टैक्स डिडक्ट हो जाए, 194 में ऑर्गेनाइजर को इंश्योर करना होता है, ठीक है। सर इंश्योर करने में क्या हो सकता है? इंश्योर करने में दो चीज़ें हो सकती है जो मैंने बताई थी, या तो फिर टीडीएस खुद डिडक्ट करके दे, लेकिन यहाँ कार है तो कार में तो क्या 2 पहिए तो निकालेंगे नहीं, तो कार के केस में ये हो सकता है ना कि आप जो विनर है उससे टीडीएस के अमाउंट की रुपीज़ उतना अमाउंट ले लें, टीडीएस का जितना पैसा बनता है उतना मॉनेटरी रुपीस इन हैंड लें, या फिर उसे रिसिप्ट ले लें कि उसने उतना पैसा गवर्नमेंट को जमा करा दिया है, उसके बाद ही आप रिलीज करेंगे। ये जो वर्ड मैंने बताया था रिलीज, उसके बाद ही करते हैं जो विनिंग्स होती है, ठीक है, ये इंश्योर करना होता है बस। ओके, अगर ये इंश्योर करने में फेल हो गए तो SSC इन डिफॉल्ट नहीं मानते हैं और एक पेनल्टी लगती है जो कि क्या होती है,
इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्स, टीडीएस का जो इक्वल अमाउंट होता है उतने की डिफॉल्ट की पेमेंट पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है, और इम्प्रिजनमेंट का भी प्रोविजन है अगर आप इंश्योर नहीं किए, बट एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं माने जाते हैं, ये मैंने बताया था। और एक क्वेश्चन भी है कि क्या इसको एसएससी इन डिफॉल्ट मानेंगे, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इसको एसएससी ऑन डिफॉल्ट नहीं मानेंगे। ओके, मिस्टर सन, मिस्टर एस वन मोटर कार लकी ड्रॉ में पी मार्केटिंग से बिना टीडीएस डिडक्ट किए उनको मोटर कार दे दी गई 4 लाख रुपए की, टीडीएस डिडक्ट कितना परसेंट होना चाहिए था नहीं बताऊंगा मैं। विनिंग 30% कई बार बताया हूं अभी। क्वेश्चन नंबर भी हाँ चलिए, मिस सेक्शन 194B की पूरी बात बता दी कि 10,000 रुपए से ऊपर की लिमिट पे, ऊपर की विनिंग्स पे 30% का टीडीएस डिडक्ट होता है। However, in case where winning are wholly in kind, the person is responsible for paying shall before releasing the winning ensure that the tax has been paid in respect of winning. Whether the winning are wholly in kind, the responsibility cast under section 194B is to be ensured that tax is paid by the winner of the prize before the prize is released in his. This can be done by collecting from the winner, मतलब winner से पैसा ले लें, a sum equal to the tax deductible at source or winning on the winning of kind, thus meeting the liability of TDS, ठीक है, before releasing the winning. For this purpose, the value of the winning in kind shall be taken at a cost incurred by the payer. ये देखिएगा, cost incurred by the payer, ठीक है, payer ने जो cost incurred की थी in the acquiring of said winning in kind. In this case, P marketing released the car without insuring tax payment. हमें केवल insure करना होता है, ये insuring word important है, इंश्योर वर्ड याद कीजिएगा, इंश्योर करना होता है। अगर कहीं पे भी 194B आके इस केस के बारे में कर काइंड के केस के बारे में आता है तो इंश्योर वर्ड जरूर लिखिएगा, कीवर्ड है इसका ये, इंश्योरिंग द पेमेंट ऑफ ₹1,20,000 बीइंग 30% ऑफ ₹4,00,000 बीइंग द वैल्यू ऑफ कार बाय मिस्टर एस। पी मार्केटिंग इज देयरफॉर लायबल फॉर पेनल्टी अंडर सेक्शन 271C एंड प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 276B, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का ये जो केस है, और ये जो 271C की जो लाइबिलिटी होती है ये कितनी होती है, ये इक्वल अमाउंट। देखिए एक वर्ड यूज़ होता है कि विनिंग अगर होली इन काइंड थी और आप इंश्योर करने में फेल कर गए तो लाइबल फॉर पेनल्टी इक्वल टू सम ऑफ टैक्स डिडक्टेबल एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ एंड प्रोसिक्यूशन और इम्प्रिजनमेंट। तो टैक्स डिडक्टेबल के बारे में जितना भी टैक्स डिडक्टेबल होने वाला था 30% उसके ही आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, उतनी की पेनल्टी लग जाएगी और प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है, वो एक अलग इशू है। जनरली क्या होता है, रियल लाइफ में पेनल्टी लग के छूट जाता है, ठीक है, क्योंकि 30% का टैक्स तो रिकवर कर ही लिए। एसएससी इन डिफॉल्ट, मैं फिर से बता रहा हूं, एमसीक्यू क्वेश्चन है, एसएससी इन डिफॉल्ट मानते हैं नहीं मानते हैं, इंश्योर करने में फेल कर गए, एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन राज के ऊपर है, बट राज की बात तो है नहीं, ये राज की, चलो, राज इज वर्किंग विथ एबी लिमिटेड, ही इज इंटाइटल टू सैलरी ऑफ ₹45,000 पर मंथ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st of April 2018, ही हैज अ हाउस प्रॉपर्टी विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, ही पेड एन इंटरेस्ट ऑफ 80,000 ऑन लोन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 18-19, द लोन वॉज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, ही हैज नोटिफाइड हिज एम्प्लॉयर एबी लिमिटेड दैट देयर विल बी अ लॉस ऑफ 80,000 रिस्पेक्ट ऑफ द पर्पस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इन फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31st of March 2019। जो एम्प्लॉयर लोग होते हैं ना अपने, ये केवल एक ही लॉस को कंसीडर करते हैं, एक ही हेड के लॉस को, हाउस प्रॉपर्टी, और वो 80,000 है तो कंसीडर तो करना ही पड़ेगा भाई। 45,000 रुपीस इनकी सैलरी है, इनटू 12 कर दें तो इनकी सैलरी कितनी आती है, 5,40,000 रुपीस इनकी सैलरी हो जाती है, और हमारी गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड डिडक्शन तो सभी को दिया है, 40,000 रुपीस का सैलरी एम्प्लॉयड को मतलब दिया है, 5,00,000 रुपीस आ जाएंगे, इसमें से भी 80,000 इनका डिडक्ट हो जाएगा एचपी का लॉस, तो इनकी टैक्सेबल इनकम आएगी 4,20,000 रुपीस। अब इस 4,20,000 में भी 2,50,000 रुपये तक नील टैक्स है और रिमेनिंग अमाउंट पे इनका टैक्स लग जाएगा, वो आ रहा है आपका 4,20,000 माइनस 2,50,000 का 5%, 8,500 का इन पे टैक्स लग जाएगा, प्लस सेस लग जाएगा 4%, प्लस 4% सेस लगने के बाद इन पे आ रहा है टोटल टैक्स लाइबिलिटी 8,840। क्या ये टफ था? एक बहुत बड़ी बात जो आती है इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स के अंदर कि सर क्वेश्चन नंबर 14 है, ऐसा ही क्वेश्चन हमारे ICI के मॉड्यूल में 16 मार्क्स के लिए उठा के दे देता है, अब तो 14 मार्क्स हो गया, ये 14 मार्क्स के लिए उठा के सेम क्वेश्चन उठा के दे देता है,
सर एक एक पॉइंट को करने में 14 मार्क्स के क्वेश्चन में इतना टाइम लग जाएगा, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में पहुंच गया, हमें टाइम ही क्या लगा। कंसेप्ट क्लियर है, दिक्कत ये होती है कि हम लोग पढ़ तो सारे कंसेप्ट लेते हैं बट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं किए हैं खुद से, तो दिक्कत आती है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बस गो थ्रू हो जाता है, तो दिक्कत आती है। देख लीजिए, हार्डली 42 सेकेंड्स लगे होंगे, उससे ऊपर इस क्वेश्चन को करने में हमें नहीं लगा है, ऐसा ही होता है। और एक चीज़ का इसमें कॉशन भी, आपको ध्यान भी देना है, गलती से भी 87 TA वाला चीज़ मत लगाएगा, 87 TA कि ऐसा ऐसा होगा ये वो दिन में कहानी है। 350,000 रुपये से कम है नहीं है इसकी, एक्सीड कर गया 350,000 से, तो 2,500 रुपये और टैक्स विचेवर इज हायर वाला लिमिट नहीं लगेगा। और इस पर मैंने जनरल कॉन्सेप्ट्स में मैंने कुछ क्वेश्चन बना रखे हैं, जनरल कॉन्सेप्ट्स में मैंने कुछ क्वेश्चन कुछ क्लासेस बना रखे हैं, जिसमें आप देखेगा टैक्स स्लैब रेट सर चार्ज, इसका 11 मिनट का ही वीडियो है जो पूरे के पूरे बैच में आपका काम आएगा, उस वीडियो को जरूर कर लीजिए। आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। सेक्शन 192 प्रोवाइड दैट टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन द पेमेंट मेड एज सैलरीज, टैक्स इज टू बी डिडक्टेड ऑन द एस्टिमेटेड इनकम ऑन द एवरेज ऑफ इनकम टैक्स कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स इन फोर्स ऑफ द फाइनेंशियल इन्वेस्ट टैक्स ऑन विच पेमेंट इज मेड। इज रेलिवेंट यार, इन रेलिवेंट पैर हटाओ। द एम्प्लॉय मे डिक्लेयर डिटेल्स इन हिज अदर इनकम वही इंक्लूडिंग लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी बट नॉट फॉर एनी अदर लॉस, केवल हाउस प्रॉपर्टी लॉस ही कंसिडर होता है, किसी और हेड का लॉस कंसिडर नहीं होता है। इन दिस केस सिंस मिस्टर बी राज इज नोटिफाइड हैज नोटिफाइड हिज एम्प्लॉयर ए बी लिमिटेड टू लॉस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, द एम्प्लॉयर हैज टू टेक सेम इन टू द कंसिडरेशन फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। वो भाई कंसिडरेशन में तो लेगा, क्योंकि एच पी का तो इनको लेना ही लेना है। Therefore, AB Limited is required to deduct tax at source for salary of 45,000 per month made to Mr. Raj. तो 45,000 to 12 5,40,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई, 5,00,000 रुपये 40,000 के सभी को मिलती है सैलरीड एम्प्लॉयड को। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कंसिडर करने के बाद टोटल इनकम कितनी आ रही है, 4,20,000। चैप्टर 6A की कोई डिडक्शन दी नहीं है, कोई भी इन्वेस्टमेंट की नॉलेज दी नहीं है, तो टोटल इनकम मेरी 4,20,000 आ गई। ये टैक्सेबल इनकम है, तो टैक्स 5% 17,000 के सेम जो हमने निकाला था ऑन आर कैलकुलेटर, 8,500 हेल्थ एंड एजुकेशन से 348,840 सेम आया। देखिए हमारा भी 8840 ही हमारा भी आया था। इट मीन्स अब हम लोग इतने कैपेबल हैं कि ओरली क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस ह्यूज चैप्टर। बहुत बड़ा था, बहुत लंबी सीरीज निकल गई अपनी। अ फॉरेन कंपनी, वन सेकेंड, ऑडियो में इशू है लग रहा है, ऑल वेल ओके। ये बारिश के मौसम में कभी कभी कुछ केबलिंग की प्रॉब्लम हो जा रही है, देखते हैं। अ फॉरेन कंपनी seconded some employees to the SSE, an Indian collaborator. These employees worked with the Indian collaborator throughout the previous year 1819. अभी तक की बात में क्या है कि foreign company वाले ना एक दूसरे की support कर रहे होते हैं, उसका workforce भी ले रहे हैं collaboration के लिए, दूसरे के कर्मचारियों को use में ले लेते हैं, just for collaboration होता है ये, काम बांटना या काम में सपोर्ट कीजिए समझ लीजिए। सेकेंडेड सम एम्प्लॉयज़ लिए हैं उसके, दूसरे एसएससी के, इंडियन कंपनी के, और ये कोलैबोरेशन 1890 से चल रहा है। चलिए, द एम्प्लॉयज विद द रिसिप्ट ऑफ सैलरी फ्रॉम एन इंडियन कोलैबोरेटर दे वर आल्सो रिसिप्ट द स्पेशल अलाउंस डायरेक्टली फ्रॉम द फॉरेन कंपनी इन फॉरेन करेंसी आउटसाइड इंडिया। द इंडियन कोलैबोरेटर डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 192 on the component of salary paid by it without taking into account of special allowances paid abroad by the foreign company. Paid abroad में हो रहा है, ठीक है, paid abroad में हो रहा है, in foreign currency of these employees. For this reason, the revenue authority treated in Indian collaborator SSE in default under section 201 for non-deduction of tax at source on the special allowances component of salary paid by the foreign company. In such treatment by the revenue authority and the consequent levy of interest and penalty justified. First of all, कुछ employees थे, some employees की बात हो रही है, ये collaboration में काम कर रहे हैं, तो Indian company से इनको 192 के according जो salary मिली उस पर तो TDS deduct हो रहा है, but foreign company भी इनको कुछ
मॉनेटरी बेनिफिट दे रही है, जिसका नाम इसने अलावेंसेस दे दिया है, और इस अलावेंसेस पे कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं हो रहा है। चूंकि इस अलावेंस पे कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं हो रहा है, तो टैक्स डिपार्टमेंट कहता है इस अलावेंस पे भी टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए, और इनको एसएससी इन डिफॉल्ट बता दिया है। क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, जरा हम ये सोचें। तो इंडिया में टीडीएस उसी अमाउंट पे कटेगा इन सैलरी हेड जो 192 के अकॉर्डिंग सैलरी है। 192 के अकॉर्डिंग अगर सैलरी नहीं है तो नहीं कटेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखना पड़ेगा जो अलावेंसेस है वो 192 के अकॉर्डिंग सैलरी में आते हैं कि नहीं आते हैं। सेकेंड थिंग, हम अगर थोड़ा लॉजिकल सोचें कि यार मान लो इंडियन कंपनी ना इसको 12 रुपये दे रही है, इंडियन कंपनी कितनी दे रही है 12 रुपये, और फॉरेनर वाला 3 रुपये दे रहा है, टोटल 15 रुपये हो जा रहे हैं। अब इंडियन कंपनी कहाँ से 15 रुपये पे काट देगी टीडीएस जब दे ही 12 रुपये रही है। तो कुछ कंफ्यूजिंग सा हो जा रहा है यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि टीडीएस उसी अमाउंट पे कटेगा जो 192 के अकॉर्डिंग सैलरी होगी इन इंडिया। एक्सप्लेनेशन बहुत लंबी और बहुत फालतू सी दी हुई है, लेकिन हम एक रीड आउट कर लेते हैं। सेक्शन 9(1) छोड़ दीजिए, सैलरी के बारे में बताया, सैलरीज क्या होती हैं हर क्वेश्चन में लगभग लगभग वही बात लिखी है। 192(1) रिक्वायर्स द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज टू डिडक्ट टैक्स एट द टाइम ऑफ पेमेंट एट द एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स कंप्यूटेड ऑन द बेसिक्स ऑफ द रेट्स इन फोर्स इन द फाइनेंशियल ईयर ऑन द एनुअल पेमेंट। सिंस द टीडीएस प्रोविजन रिलेटिंग टू द पेमेंट ऑफ इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज फ्रॉम एन इंटीग्रेटेड कोड अलॉन्ग विथ चार्जिंग द कंप्यूटेशन प्रोविजन अंडर दिस एक्ट सेक्शन 192(1) हैज टू बी रीड विथ 9(1)(2) द एक्सप्लेनेशन देयर टू। मतलब 192 के ही इर्द गिर्द घूम रहे हैं कि सब कुछ 192(1) के अकॉर्डिंग करना है, जो सैलरी के डेफिनेशन में आती है उसी पर टीडीएस कटेगा। देयर फोर इफ एनी पेमेंट अंडर द हेड सैलरीज फॉल्स विद इन सेक्शन 9(1)(2), मतलब सेक्शन 9(1)(2) में आ रही है, इट मीन्स वो सैलरी में आ रही है। देखिए 9(1)(2) प्रोवाइड दैट एनी इनकम विच फॉल्स अंडर द हेड सैलरीज इज डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। अगर वो सैलरी इज डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया है, एंड इफ इट इज अर्न इन इंडिया, द एक्सप्लेनेशन देयर टू फर्दर क्लैरिफाइड दैट इनकम पेबल फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया शैल बी रिगार्डेड एज इनकम अर्नड इन इंडिया। जो सर्विसेज इंडिया में देते हैं उन सर्विसेज के लिए मानते हैं कि इनकम अक्रू अराइज इन इंडिया हुई है। तो 192 बोल दिया कि जो सैलरी के अकॉर्डिंग, मतलब जो अमाउंट सैलरी में आएगा उसी पे टीडीएस कटेगा, और सैलरी में क्या अमाउंट आता है 9(1)(2) बता दिया, 192 भी हो गया। अब क्या हुआ, अब देखिए देन टीडीएस प्रोविजन अट्रैक्टेड एंड 92 गेट्स अट्रैक्टेड। यहाँ तक की बात वही होगी जो मैंने ऊपर समझाया था ना कि सैलरी में आएगा तभी काटेंगे, ठीक है। अब सुनिए, द इंडियन टैक्स डिडक्टर एसएससी इज ड्यूटीड बाउंड टू डिडक्ट टैक्स फ्रॉम द पोर्शन ऑफ सैलरी पेड बाय इट। उसने किया, इंडियन कंपनी ने जितनी सैलरी पेड की थी उस पर टैक्स डिडक्ट किया है ना, हाँ किया है सर। टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 192(1) ऑन द एंटायर सैलरी पेड टू द एम्प्लॉय इंक्लूडिंग स्पेशल अलाउंसेस पेड अब्रॉड टू द एम्प्लॉय बाय द फॉरेन कंपनी। यहाँ से लग रहा है कि फॉरेन कंपनी वाले के लिए भी करना पड़ेगा, लेकिन फॉरेन कंपनी वाले के लिए तभी पे करना पड़ेगा अगर वो डेफिनेशन में आता है 9(1)(2) के, और 9(1)(2) के डेफिनेशन में था कि रिसीव्ड भी सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया होनी चाहिए। ओके, अब नाउ इट वॉज सो हेल्ड दैट अपेक्स कोर्ट इन सीआईटी वर्सेज न्यू दिल्ली। चलिए एक केस के अकॉर्डिंग बताया गया, इन दिस केस जो हमारा केस है इसमें क्या हुआ, ऑल द एम्प्लॉयज आर रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है, सिंस दे हैव वर्कड विथ द इंडियन कोलैबोरेटर थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर 17-18, इफ द टैक्स ड्यू ऑन स्पेशल अलाउंसेज रिसीव्ड फ्रॉम द फॉरेन कंपनी इज पेड बाई द रेसिपियंट एम्प्लॉयज देन द इंडियन कोलैबोरेटर वुड नॉट बी ट्रीटेड एट एसएससी इन डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 201। ओके, इफ दीज रेसिडेंट एम्प्लॉय हैव फर्निश्ड अ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139, मतलब ये जो एम्प्लॉयज थे नहीं खुद अपना रिटर्न जमा कर रहे हैं, वो खुद ही टैक्स की पेमेंट कर देते हैं जो एम्प्लॉयज हैं, तो इसको एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं मानेंगे। किसको नहीं मानेंगे, इंडियन कंपनी को, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न 139, जो हम असेसमेंट में पढ़ेंगे कि रिटर्न फाइलिंग का होता है। इंप्लॉयज ने अपनी रिटर्न फाइल कर दी तो इसको एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं मारेंगे। डिस्क्लोजिंग सच इनकम, और वो क्या करेंगे, जो इंप्लॉय थे उनको फॉरेन कोलैबोरेटर से जो इनकम आई उसकी डिस्क्लोजिंग सच इनकम एंड हैव ऑल्सो फर्निश्ड अ सर्टिफिकेट टू दिस इफेक्ट फ्रॉम द अकाउंटेंट इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। हाउएवर इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 201(1)(a) 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ शैल बी पेबल बाय द इंडियन कोलैबोरेटर फ्रॉम द डेट ऑन
which such tax was deductible to the date of furnishing on return by such resident employees. In this case, tax has not been deducted by the recipient employee. Recipient employee nahi deduct kiya. An assessing officer can proceed under section 201 to recover the shortfall of payment to the tax of interest there under section 201(1)(a). However, no penalty under section 271 would be attracted. मतलब assessee in default नहीं मान रहे हैं. इसी तरीके का एक और किस्सा जहाँ पे insure करना था कि tax deduct हो जाए, वहाँ भी assessee in default नहीं मानते हैं. Penalty अलग लग जाएगी. देखिए यहाँ पे भी टैक्स का भी, टैक्स डिडक्शन का भी उससे रिकवर कर सकते हैं, पेनल्टी भी लगा सकते हैं, इवन इंटरेस्ट भी इंडियन कंपनी पे लग सकता है, बट एसेसी इन डिफॉल्ट नहीं मानते हैं. इफ़ द इंडियन कोलैबोरेटर वाज अंडर द जेन्युइन एंड बोनाफाइड बिलीव दैट वाज नॉट अंडर द ऑब्लिगेशन टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स फ्रॉम द स्पेशल अलाउंस पेड बाय द फॉरेन कंपनी. दिस इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 273(b). सर इतनी बड़ी कहानी देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक कहानी सर लिखेंगे क्या? देखिए सीधी सी बात है, लिखना यही होता है इसमें सैलरी की. अगर ये सैलरी की डेफिनेशन में आता है, सैलरी की डेफिनेशन में आता है तो 192 के अकॉर्डिंग टैक्स डिडक्ट होगा और फॉरेन कंपनी के अलावेंसेस की जो पेमेंट हुई है उस पर भी टैक्स डिडक्ट करेगी कौन? इंडियन कंपनी. बट अगर इंडियन कंपनी ने टैक्स डिडक्ट नहीं किया उन एम्प्लॉयज़ का और वो एम्प्लॉयज़ 139 में अपना रिटर्न फिल कर रहे होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. वो 139 में अपना इनकम डिस्क्लोज करके सही अमाउंट पर रिटर्न फिल करके सही टैक्स भर रहे हैं तो इंडियन कंपनी को एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं मानेंगे. बस यही सब कुछ लिखा हुआ है बेयर एक्ट की लैंग्वेज में, इसलिए थोड़ा हैवी दिखता है. नथिंग एल्स, इतना लंबा याद भी नहीं रहेगा, यही छोटा सा पॉइंट बस आप याद रखिए. सैलरी अगर है 190, अगर सैलरी 912 के अकॉर्डिंग है तो 192 में TDS कटेगा, और अगर इंडियन कंपनी ने TDS नहीं किया है और ऑल जो एम्प्लॉयज़ है वो खुद 139 का रिटर्न भर देते हैं, अपनी सही इनकम डिस्क्लोज करके सही टैक्स भर देते, तो इंडियन कंपनी को एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा. बस यही है. अब नेक्स्ट सेशन हमारा स्टार्ट होने वाला है. नेक्स्ट है सबका मोस्ट अवेटेड PGBP. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. बाय बाय, स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल. बाय बाय.